भारतीय मूल के एक एनआरआई कपल और उनके एक अमेरिकन साथी ने कैसे अमेरिका में करीब $1 बिलियन का फ्रॉड किया, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को आज की बिजनेस स्टोरी में स्वागत। ऋषि शाह और श्रद्धा अग्रवाल नाम के एक एनआरआई कपल ने अमेरिका में 2006 में आउटकम हेल्थ के नाम से एक कंपनी शुरू की थी, जहां पर ब्रेड प्यूरी सीईओ के रूप में थे। साल 2017 के पहले आउटकम हेल्थ को कॉन्टेक्स्ट मीडिया के नाम से जाना जाता था। आउटकम हेल्थ कंपनी अमेरिका में डॉक्टरों के क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में टीवी और टेबलेट जैसे डिवाइस लगाती थी, जिस पर एड्स चलती थी, और इसमें से ज्यादातर फार्मा कंपनियां थी, मतलब दवा कंपनियों के विज्ञापन इन स्क्रीन पर चला करती थी, और आउटकम हेल्थ इन दवा कंपनियों को उनके विज्ञापन चलाने का बिल भेजती थी। इन लोगों का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में कंपनी की वैल्यू $5.5 बिलियन हो गई थी। उस समय आउटकम हेल्थ के फाउंडर और सीईओ ऋषि शाह को एक सक्सेसफुल मीडिया और टेक्नोलॉजी उद्यमी माने जाते थे। ऋषि शाह कई सिविक ऑर्गेनाइजेशन जैसे शिकागोलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट बिजनेस एजुकेशन एट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल रहे हैं। पोर्टो और ऋषि शाह और श्रद्धा अग्रवाल को टॉप 100 यंग एंटरप्रेन्योर के लिस्ट में शामिल होने के लिए व्हाइट हाउस में सम्मानित भी किया जा चुका है। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक जांच के दौरान ये सामने आया कि आउटकम हेल्थ के फाउंडर्स ऋषि शाह और श्रद्धा अग्रवाल और कंपनी के सीईओ ब्रेड प्यूरी ने जो एडवर्टाइजिंग लिस्ट कस्टमर्स को बेची थी, उनकी कंपनी के पास उतना आउटकम नहीं था, यानी उतना डिवाइस नहीं रखे गए थे। साथ ही वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी नहीं चलाए जिनके बात किया गया था। पर फिर भी आउटकम हेल्थ कंपनी ने अपनी क्लाइंट्स को दिखाया कि स्क्रीन पर विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार दिखाया जा रहा है। इस धोखाधड़ी के बावजूद उन्होंने सभी ग्राहकों को इनवॉइस भेजकर उतना पैसा लिया जितना उन्होंने एड चलाने के बदले तय किया था। आउटकम हेल्थ की ये स्कीम साल 2011 से 2017 तक चली। इस दौरान कंपनी $45 मिलियन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का रेवेन्यू हासिल। जांच में ये पाया गया कि ब्रेड प्यूरी ने एक्सटर्नल ऑडिटर्स से कंपनी के असली डाटा छुपाकर उन्हें भी झूठे रेवेन्यू आंकड़े दिखाए। इसके चलते एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने भी 2015 और 16 में गलत रेवेन्यू आंकड़े पर सिग्नेचर कर दिए और इन आंकड़ों के साथ इन्वेस्टर्स को भी धोखा दिया गया। अप्रैल 2016 में $110 मिलियन और 2017 की शुरुआत में $487.5 मिलियन जुटाकर सभी को धोखा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ऋषि शाह को 22 में से 19 में गिल्टी पाए गए, जहां पर श्रद्धा अग्रवाल को 17 में से 15 में और कंपनी के सीईओ ब्रेड प्यूरी को 15 में से 13 में गिल्टी पाए गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।